हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ चैप्टर 2 इन क्लास 7 इन ज्योग्राफी। रेडी फॉर एक्सप्लेनेशन नाउ। ओपन योर बुक ऑल ऑफ यू। इट्स चैप्टर नंबर 1, सॉरी 2, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इट इज़ बिलीव दैट द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज क्लोज टू 5000 डिग्री सेल्सियस। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी का जो सेंटर है उसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक है, हो सकता है। देयरफॉर ड्यू टू सच हाई टेम्परेचर्स इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू गेदर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसलिए इतने हाई टेम्परेचर में ये गेस लगाना असंभव है, इम्पॉसिबल है कि पृथ्वी के इंटीरियर में यानी उसके अंदर क्या हो रहा है। हेंस द बेसिस ऑफ आवर इंफॉर्मेशन ऑन द अर्थ स्ट्रक्चर। इसलिए अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसकी इंफॉर्मेशन के अनुसार, उसके इंफॉर्मेशन के बेस पे एंड इट्स इंटीरियर्स और इसके अंदर क्या क्या है, इस बेस्ड ऑन एविडेंस, वो उन सबूतों के ऊपर आधारित है फ्रॉम डीप माइन ऑपरेशंस, जिनको बहुत ही गहरी खुदाई कर करके जाना गया है, वॉल्केनिक इरप्शंस, ज्वालामुखी के फटने से जाना गया है, एंड द नेचर ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स। भूकंप की जो तरंगे आती हैं, वेव्स मतलब तरंगे, भूकंप की जो वेव्स आती हैं उनसे ये अंदाज़ा लगाया गया है कि पृथ्वी के इंटीरियर में, पृथ्वी के अंदर क्या मौजूद है। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इफ़ वी पील एन ओनियन, जब हम किसी प्याज को छीलते हैं, वी फाइंड देयर आर लेयर्स, तो हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। सिमिलरली द स्ट्रक्चर ऑफ आवर अर्थ इज ऑल्सो लेयर्ड। बिल्कुल इसी तरह हमारी पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है वो कई सारी लेयर्स से मिल करके बना हुआ है। और अर्थ इज़ मेड ऑफ 3 लेयर्स। हमारी जो अर्थ है वो 3 लेयर्स से बनी हुई है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो सबसे पहले क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्रस्ट, द क्रस्ट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सबसे ऊपर की जो पृथ्वी की लेयर है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लिथोस्फीयर, इसे लिथोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ये पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे पतली लेयर है। द अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सबसे ऊपर की लेयर होती है उसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहा जाता है, और इसकी मोटाई 35 किलोमीटर तक है, यानी 35 किलोमीटर की जो इसकी थिकनेस है वो पृथ्वी की क्रस्ट की है, अर्थ की क्रस्ट की है। एंड द लोअर इज कॉल्ड द ओशियनिक क्रस्ट, और जो नीचे की क्रस्ट है उसे ओशियनिक क्रस्ट कहा जाता है। एवरेज थिकनेस 5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर की मोटाई ओशियनिक क्रस्ट की है, यानी समुद्रों के नीचे की जो ज़मीन है उसकी मोटाई, उसकी थिकनेस जो है वो 5 किलोमीटर तक है। और जो ऊपर की हमारी मिट्टी की लेयर है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से कहा जाता है, जहाँ पर सारे महाद्वीप बने हुए हैं, उनकी मोटाई 35 किलोमीटर तक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कम्पोज ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम एंड हेंस इज कॉल्ड सियालू। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी जो महाद्वीप जिन पर कॉन्टिनेंट्स हमारे बसे हुए हैं वो सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बने हुए हैं, और इसलिए इसे सियाल के नाम से भी जाना जाता है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ दिस लेयर, इस लेयर की जो डेंसिटी है, डेंसिटी यानी घनापन जो इसके अंदर है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कितने घने हैं, वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है इसकी डेंसिटी है। ओशियनिक क्रस्ट इज कम्पोज ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम एंड हेंस इज कॉल्ड सिग्मा। जो समुद्रों की, समुद्र के नीचे या ओशियंस के नीचे की जो हमारी क्रस्ट है वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिल करके बनी है, इसलिए इसे सीमा के नाम से जाना जाता है। द एवरेज डेंसिटी इनका, इनके अंदर जो घनापन है लेयर का, वो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। द अपर क्रस्ट इज़ अ रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स, सबसे ऊपर की जो लेयर है हमारी जिसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहा जाता है, इसमें बहुत सारे खनिजों के भंडार हैं, रिजर्वायर मतलब भंडार हैं। अब मेंटल की बात करेंगे। मेंटल इज़ द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ, ये पृथ्वी के बीच की लेयर है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मीजोस्फीयर, इसे मीजोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। इट लाइज जस्ट बिलो द क्रस्ट, ये क्रस्ट के जस्ट नीचे की लेयर है। इट इज़ 2900 किलोमीटर थिक, ये 2900 किलोमीटर मोटी है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द मेंटल रेंज फ्रॉम 3.5 to 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एवरेज जो डेंसिटी है इस लेयर की, यानी इसका जो घनत्व है कितनी घनी है, इस मेंटल की रेंज वो 3.5 to 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर रेंजेस फ्राम 870 डिग्री सेल्सियस to 2200 डिग्री सेल्सियस, और इस लेयर का टेम्परेचर जो है वो 870 डिग्री से 2200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मेंटल की 2 लेयर्स और होती हैं, द अपर मेंटल और लोअर मेंटल।
इट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ सिलिकॉन, आयरन एंड मैग्नीशियम। और ये जो हमारी मेंटल लेयर है, ये सिलिकॉन, आयरन यानी लोहा और मैग्नीशियम से मिलकर के बनी है, यानी ये तीनों मिनरल्स जो हैं सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में इस लेयर में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है, बनी नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो है बनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब लोहे से ही बनी हुई, सिलिकॉन ही सब पाया जाता है, मैग्नीशियम ही सब पाया जाता है। लेकिन इनके अंदर अगर इस मिट्टी को हम चेक करेंगे, यहाँ की मिट्टी लेकर के इस लेयर की मेंटल की, तो उसमें ये तत्व, ये मटेरियल सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे। कोर, अब लास्ट लेयर है आपकी, क्रस्ट पड़ चुकी है, मेंटल पड़ चुकी है, कोर के बारे में बात करेंगे। द कोर इज़ द इनर मोस्ट लेयर, लाइज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। कोर जो है वो सबसे अंदर की लेयर है हमारी अर्थ की, जो बिल्कुल पृथ्वी के सेंटर में होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैरीस्फीयर, इसे बैरीस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। एवरेज थिकनेस ऑफ द कोर इज़ अबाउट 3500 किलोमीटर, इसकी मोटाई 3500 किलोमीटर है। द टेम्परेचर ऑफ द कोर रेंज 3000 to 500 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस तक है। द कोर हैज़ टू लेयर्स, इसकी भी दो लेयर्स होती हैं, द आउटर कोर, द इनर कोर। द आउटर कोर इज़ एक्सट्रीमली हॉट, जो बाहरी लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, एक्सट्रीमली हॉट मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म। एंड मटेरियल इन इट आर इन मोल्टन फॉर्म, इसके अंदर जो मटेरियल पाए जाते हैं वो मोल्टन फॉर्म में होते हैं, पिघले हुए फॉर्म में होते हैं। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि जो भी मटेरियल होता है वो गल जाता है, इसमें पिघल जाता है। दो द इनर कोर इज़ हॉटर देन द आउटर कोर, कह रहे हैं जो अंदर की पृथ्वी की कोर है वो बाहर की कोर से ज़्यादा गर्म होती है। इट इज़ इन अ सॉलिड स्टेट ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर, तभी जो बाहर की हमारी कोर की लेयर है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से सॉलिड फॉर्म में रहती है, जो उसके अंदर का मटेरियल है उसे पिघली हुई फॉर्म में होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ हैवी मेटल्स, ये जो कोर होती है ये बहुत ही भारी भरकम मेटल से मिल करके बनी होती है, सच एज निकल, जिसमें निकल है, आयरन, लोहा है, एंड हेंस इस कॉल्ड निफे, और इसीलिए इसे निफे के नाम से जाना जाता है। यानी क्रस्ट मेंटल कोर को सियाल, सीमा और निफे के नाम से भी रिस्पेक्टिवली हम जान सकते हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स, अब चट्टानों और मिलने वाले चट्टानों के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द लिथोस्फीयर और द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ रॉक्स, लिथोस्फीयर जो कि अर्थ की क्रस्ट के नाम से भी जानी जाती है, इसमें चट्टानें हमको मिलती हैं। रॉक्स रिफर टू ऑल सॉलिड पार्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, रॉक्स जितना भी पृथ्वी का अर्थ की क्रस्ट का सॉलिड पार्ट है वो सब रॉक्स में आता है, इंक्लूडिंग क्ले सैंड, इसी में चिकनी मिट्टी और बालू भी हमारी जुड़ी हुई है। रॉक डू नॉट हैव ए केमिकल कंपोजिशन, रॉक्स का कोई भी केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है, यानी कोई भी उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, केमिकल्स कोई उसमें नहीं मिले होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, ये सब खनिजों से बनी होती हैं। मिनरल्स आर सब्सटेंसेस, मिनरल्स वो सब्सटेंस होते हैं, वो चीज़ें होती हैं दैट अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, जो कि प्राकृतिक तौर पर नेचुरली अपने आप बन जाती हैं पृथ्वी की क्रस्ट में। दे हैव अ डेफिनेट केमिकल पोजिशन, इनका खुद का एक अपना अलग केमिकल कंपोजिशन होता है। अ रॉक इन विच अ पर्टिकुलर मिनरल इज़ फाउंड इन लार्ज परसेंटेज इज़ नोन एज द कोर ऑफ दैट मिनरल, अब ऐसी कोई चट्टान जिसमें किसी पर्टिकुलर मिनरल, कोई एक तरीके का मिनरल बहुत बड़े परसेंटेज, बहुत बड़ी क्वांटिटी में पाया जाता है, उसे उस मिनरल का ओर कहते हैं। ओर को हिंदी में आपका कहते हैं अयस्क, ठीक है, यानी आयरन को अगर हम ज़मीन से निकालेंगे माइनिंग करके तो वो ओर के नाम से कहलाएगा, ठीक है, लौह अयस्क, ठीक है, कच्चा लोहा, कच्चे लोहे को जब हम माइनिंग करके निकालते हैं किसी रॉक से तो वो उस रॉक का ओर कहलाएगा, ठीक है, यानी उस क्वांटिटी का, सॉरी उस मेटल की क्वांटिटी या उस मेटल की क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो उसमें सबसे ज़्यादा मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एल्यूमिनियम इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ओर, उदाहरण के तौर पर जो एल्यूमिनियम एक ऐसा ओर है, ओर कॉल्ड बॉक्साइट, जो कि बॉक्साइट की माइनिंग से निकलता है, एंड आयरन फ्रॉम हेमेटाइट, और जो आयरन है वो हेमेटाइट के नाम से निकाला जाता है, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आयरन को जब हम ज़मीन से निकालते हैं तो वो हेमेटाइट की फॉर्म में होता है। हेमेटाइट समझ लीजिए आयरन का ही पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम है उसका, ठीक है, लेकिन जब उसको हम अपने इस्तेमाल करने लायक लोहे को तैयार कर लेते हैं तो वो आयरन के रूप में हमारे पास आ जाता है, उससे हम अलग अलग हमारे फैमिली की चीज़ें बनती हैं इस्तेमाल करने लायक। ऐसे ही जो एल्यूमिनियम है वो बॉक्साइट से निकलता है, एल्यूमिनियम डायरेक्ट हमें नहीं मिलता है पृथ्वी से, बॉक्साइट के रूप में निकाला जाता है, उसके बाद उसको प्योर करके हम एल्यूमिनियम बनाते हैं, एल्यूमिनियम से हम लोग अपनी चीज़ें बनाते हैं, बिजली से जुड़ी हुई चीज़ें या फिर और बहुत सारी चीज़ें एल्यूमिनियम से बनाई जाती हैं। मिनरल्स में वेरी इन कलर, मिनरल्स जो हैं हमारे वो कलर में भी, टेक्स्चर में, हार्डनेस और लस्टर, मिनरल्स अलग अलग तरीके के होते हैं, कलर में रंग इनका अलग अलग हो सकता है, टेक्स्चर बनावट अलग अलग होती है, हार्डनेस इसमें कठोरता यानी सॉलिडनेस कितनी है, एंड लस्टर इसमें पाई जाने वाली चमक, ठीक है, चमक यानी शाइनिंग, लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग।
इन सारी चीज़ों में मिनरल्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मिनरल, डायमंड खनिजों में सबसे हार्ड है, सबसे ज़्यादा ठोस है, सॉलिड है। इवन द कॉमन सॉल्ट विच इज़ यूज इन कुकिंग इज़ अ मिनरल, यहाँ तक कि जो कॉमन सॉल्ट यानी साधारण नमक जो हम घर पर खाते हैं वो भी एक प्रकार का मिनरल ही है, खनिज है। अब देखिए टाइप्स ऑफ रॉक्स, चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ रॉक्स, अपने बनने के आधार पर, ठीक है, अपने बनने के आधार पर जो चट्टाने हैं वो तीन प्रकार में बांटी गई हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स देखिए, द वर्ड इग्नियस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्निस, ये जो वर्ड इग्नियस है ये लैटिन वर्ड इग्निस से मिलकर के बना है, विच मीन्स फायर, जिसका मतलब होता है आग। इग्नियस रॉक्स आर फाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी फटने की वजह से हमारी इग्नियस रॉक्स बनती हैं। द मैग्मा और लावा फ्लोज आउट फ्रॉम द वेंट ऑफ द वॉल्केनो, मैग्मा या लावा वॉल्केनो के वेंट से यानी इसके मुंह से बाहर निकलता है, कूल्स डाउन फिर ठंडा होता है एंड सॉलिडिफाइज फॉर्मिंग इग्नियस रॉक्स, और सॉलिड होकर के ठोस होकर के इग्नियस रॉक्स में बदल जाता है। इग्नियस रॉक्स आर ऑफ टू टाइप काइंड्स, इग्नियस रॉक्स दो प्रकार की होती हैं, इंट्रेंसिव इग्नियस रॉक्स और एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स। द रॉक्स दैट कूल बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इंट्रेसिव रॉक्स, ऐसी चट्टाने दैट कूल बिलो द, यानी रॉक्स का मतलब यहाँ पर मैग्मा से जो लावा ज्वालामुखी से निकलता है वो जो पृथ्वी के अंदर घुस करके ठंडा होता है और चट्टाने बना देता है अंदर ही अंदर, उसे हम उन्हें हम इंट्रेंसिव रॉक कहते हैं। और दे टेक लॉन्गर टू कूल एंड फॉर्म लार्ज क्रिस्टल्स, ये बहुत लंबा समय लेते हैं ठंडा होने में और बहुत बड़े बड़े इनके क्रिस्टल बनते हैं, क्रिस्टल टुकड़े जो इनके पृथ्वी के अंदर हैं बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं। ग्रेनाइट एंड डोलेराइट आर एग्जाम्पल ऑफ इंट्रेसिव इग्नियस रॉक्स, ग्रेनाइट और डोलेराइट जो हैं वो आपके इंट्रेसिव इग्नियस रॉक्स के उदाहरण हैं। द रॉक्स दैट कूल ऑन द अर्थ सर्फेस आर कॉल्ड एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स, अब जो लावा जो चट्टाने लावा जब निकलता है ज्वालामुखी से वो जब ऊपर ही सतह पर, ठीक है, अपर सरफेस पर ही वो ठंडा हो जाता है तब हमारी एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स बनती हैं। क्रिस्टल्स ऑफ दीज रॉक्स आर स्मॉलर एंड फाइनर, इनसे जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो छोटे होते हैं और ज़्यादा अच्छे होते हैं। बेसाल्ट एंड ऑब्सिडियन आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स, बेसाल्ट और ऑब्सिडियन की जो चट्टाने हैं वो इग्नियस एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स में आपकी आती हैं, एग्जाम्पल हैं उनके। इग्नियस रॉक्स आर हार्ड एंड कॉम्पैक्ट, इग्नियस रॉक्स बहुत ही ज़्यादा ठोस होती हैं और कॉम्पैक्ट यानी बहुत ही ज़्यादा मतलब आपस में बंधे हुए उसके एटम्स होते हैं या कह लो जो पार्टिकल्स उसमें पाए जाते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं। दे आर वाटर रेजिस्टेंस एज वाटर डज नॉट परमिएट थ्रू देम, ये पानी को रोकते हैं अपने अंदर सोखने से क्योंकि पानी इनके अंदर घुस नहीं सकता है, परमिट नहीं कर सकता है। दे आर प्राइमरी और बेसिक रॉक्स एंड हेंस ऑल अदर टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फाउंड ऑन दीज रॉक्स, ये सबसे शुरुआती और बेसिक चट्टाने हैं इसलिए बाकी की जो चट्टाने हैं वो इन्हीं से तैयार होती हैं। दीज रॉक्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मिनरल्स, ये जो बहुत ही इग्नियस रॉक्स जो होती हैं ये बहुत सारे मिनरल्स का भंडार होती हैं जिसमें लोहा पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, एल्यूमिनियम है आपका, गोल्ड और सिल्वर। सेडिमेंटरी रॉक्स क्या होती हैं, एज द नेम सजेस्ट दीज रॉक्स आर मेड ऑफ सेडिमेंट्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये सेडिमेंट्स हैं, ये जो चट्टाने होती हैं सेडिमेंट से मिलकर के बनी होती हैं। सेडिमेंट्स किसी चीज़ का जब छना हुआ मटेरियल बाहर निकल, से आटे में आप छानते हैं तो चोकर निकलता है, घर में आपकी मम्मी लोग जब आटा मालना चलती हैं तो उसको छन्नी से छानती हैं तो चोकर निकलता है, ऐसे ही चट्टानों का जो टूटा फूटा मटेरियल होता है उससे हमारी सेडिमेंट रॉक्स बनती हैं। इग्नियस रॉक्स जो हमारी हैं उनका जब टूटा फूटा मटेरियल इकट्ठा होता रहता है, ये सब ये जो प्रोसेस होती है ये हजारों साल तक चलती है, लाखों साल तक चलती है, तब जाके एक चट्टान कम्प्लीट होती है, ठीक है। तो ये आपकी सेडिमेंट्स आर द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े होते हैं, फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स, जो कि पहले से मौजूद चट्टानों के टूटने से बनती हैं, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यू टू रनिंग वाटर, बहते हुए पानी की वजह से, विंड हवा की वजह से, रेन बारिश की वजह से, स्नो बर्फ के इधर से उधर जाने की वजह से और जानवरों की वजह से। एज मोर एंड मोर सेडिमेंट्स आर डिपॉजिट, इन चट्टानों का जब ज़्यादा से ज़्यादा सेडिमेंट जो है यानी जो भी छना हुआ मटेरियल है वो जैसे जैसे भंडार बनाता रहता है, दे बिकम कंप्रेस्ड इन लेयर्स, तो वो धीरे धीरे लेयर्स में दबता जाता है एंड हार्डन टू फॉर्म रॉक्स, और धीरे धीरे चट्टान के रूप में वो ठोस होता चला जाता है। सच रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंटरी रॉक्स, इस तरीके से बनी हुई जो रॉक्स होती हैं वो सेडिमेंटरी रॉक्स कहलाती हैं। सिंस द सेडिमेंट्स आर डिपॉजिटेड इन लेयर्स, अब चूँकि जो सेडिमेंट्स हैं यानी जो छना हुआ मटेरियल है वो लेयर्स में डिपॉजिट होता है और स्ट्रेटा या फिर उसे स्ट्रेटा भी कहा जाता है, सेडिमेंटरी रॉक्स आर कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, इसलिए सेडिमेंटरी रॉक्स को स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहा जाता है।
स्ट्रेटा वही आपका जो सेडिमेंट्स हैं उनको ही स्ट्रेटा बोलते हैं, यानी छना हुआ जो मटेरियल होता है, टूटा फूटा जो मटेरियल होता है उसे स्ट्रेटा बोला जाता है, इसलिए इन रॉक्स को स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहते हैं।